सुपर स्ट्राइकर से मिलने से बस कुछ घंटे पहले अभी मेरे साथ है ओरायन के कोच ब्लैक। कोच ब्लैक, आज ओरायन के सितारों में क्या लिखा हुआ है? सही वक्त पर आया पेगासस। जल्दी ये स्पेसशिप मुझ जैसे आम लोगों को भी स्पेस की सैर कराने ले जाएगी और मैं बनूंगा दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट। कोच, आपका सुपर लीग मैच सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आज रात सॉकर स्फीयर और अगले हफ्ते स्ट्राइकर लैंड में सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह मात खाने वाले हैं। मेरे पास एक खास हथियार है जिससे जीत पक्की है। खास हथियार से आपका मतलब क्या है? चौंका देने वाला। सेकेंड हाफ चल रहा है और ना ही ओरायन और ना ही सुपर स्ट्राइकर्स का खाता खुला है। दोनों ही बराबर है, न जाने अब ये कैसे स्कोर करेंगे। कोच ब्लैक का खास हथियार तो दिखा ही नहीं। और ये बहुत ही दमदार किक। बॉल काफी ऊपर हवा में और साथ ही ओरायन के प्लेयर भी हवा में। ना मुमकिन, कमाल है दोस्त। इसे कहते हैं खास हथियार मैक। ये है क्या यार? ये कैसे हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए मांगो दुआ। ये लगता है जैसे इसमें स्प्रिंग लगी हो। वो ये कर कैसे रहे हैं? मेला ने एक बार फिर से गोल कर दिया और रायन वाले तो इस खेल को किसी दूसरे ही लेवल पर ले गए हैं। स्कोर बोर्ड झूठ नहीं बोलता मैक, उन्होंने तो जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को धूल ही चटा दी। मुझे नहीं लगता सुपर स्ट्राइकर्स इनके साथ वाले अगले मैच में भी और रायन को मात दे पाएंगे। वाओ मेरा, तुम्हारे मूव्स तो कमाल के थे। इसमें कहीं पंख तो नहीं लगे है ना? ऐसा ही समझ लो। वो इतनी ऊपर उड़ कैसे रहे थे? हाँ, थोड़ा ऊंचा कूदना तो समझ गया, पर वो तो जैसे उड़ रहे थे। चल यार, हम भी जाकर कुछ कमाल दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे मेडा, पर मैं हवा में खेलने वाले तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा कर रहूंगा। यार उन्होंने किया कैसे? पता नहीं यार। स्कैन के लिए तैयार रहिए। स्कैन? ये क्या हो रहा है? मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। और आयन स्ट्राइकर पहचाना गया। आंद्रे मेडा। मैं मेडा नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। वेलकम मेडा, तेजी से नीचे सीक्रेट एरिया में जाने के लिए तैयार रहिए। मंजिल आ गई। मैं वापस ऊपर सीढ़ियों से जाऊंगा। सीक्रेट ट्रेनिंग लैब। हाँ? वाह! ये क्या चीज है? अपनी ट्रेनिंग का मजा लीजिए मेडा। वाओ, एक जीरो ग्रेविटी चेंबर। तो चलो खेले ओरायन स्टाइल में। वर्टिगो, मुझे सजीव जगह से बाहर निकालो। कौन है? ए, रुको, तुम्हारी ये जगह काफी अच्छी है। सॉरी, कॉफी किसी और दिन पी लूंगा। चलो, अच्छा हुआ आप आ गए। ओके, चलो चले चलो।
अब तो मेरी खैर नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ओरायन का सीक्रेट जान गए। मुझे सब ठीक करना होगा। ये सच है, मैं वहाँ था, मैं वहाँ उड़ रहा था। शायद तेरे सिर पर चोट लगी होगी और तुझे सिर्फ लगा कि तू उड़ रहा था। हवा में उड़ना तो नामुमकिन बात है। अब समझा ओरायन ने उस तरह खेलने की ट्रेनिंग कैसे की होगी। पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो कहीं होनी नहीं चाहिए। एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। चिकन या फिश? अरे ये तो नया है। कौन हो तुम? मैं हूँ नया एयर होस्टेस, मेरा मतलब एयर स्टूअर्ड। हाँ स्टूअर्ड। ए सुनो दोस्तों, ये है स्टूअर्ड। हाँ स्टूअर्ड। शायद एक रास्ता है जिससे हम ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम से कम उस जैसी ट्रेनिंग ले ही सकते हैं। कैप्टन, प्लान में थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब थोड़ा सा आराम किया जाए। कंप्यूटर, होलोग्राफिक स्टारफील्ड शुरू करो। वो रहा ओरायन्स बेल्ट और हॉर्स हेड नेब्यूला। सुपर स्ट्राइकर्स का जू? क्या ये कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं है? मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सुपर स्ट्राइकर्स का जूता आया कैसे? कमाल है यार, यकीन नहीं होता हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हैं। सही कहा। अगर हम ट्रेनिंग करने स्पेस में नहीं जा रहे तो हमने ये अजीब से पट्टे क्यों पहन रखे हैं? मैंने अपने एक दोस्त को ये जगह हमारी ट्रेनिंग के लिए देने को राजी कर लिया है। क्या जगह है यार। इस चेम्बर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसलिए जब मैं उन्हें ऑन करूंगा तब तुम्हारे हाथ, कमर और पैरों पर लगी मेटल प्लेट्स तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच झुलाएगी। फिर से नहीं। अरे आज मैं ऊपर, कोच नीचे, ये क्या हो रहा है? कोच, ये तो उल्टे स्काई डाइविंग करने जैसा है। ओह नो, ये लोग तो सही ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब मेरी गलती है, मुझे ये रोकना ही होगा चाहे जो हो जाए। कुछ मूव्स ट्राई करो। इसे कहते हवा में झंडे गाड़ना। उड़ता टाइगर, फिसलता शेख। लगता है ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब तो मेरी बात बनी समझो। वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स, हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ आए और इसीलिए आपके सम्मान में खास पेश शो तैयार किया गया है। अरे वाह। प्लीज साइंस को फॉलो करते हुए हमारे आधुनिक स्पेस थिएटर तक आइए। ये साइंस तो बिल्कुल भी आधुनिक नहीं लगते। फ्री शो है, ज्यादा मत सोच। Excuse me, अंदर पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? जो भी पूछना है प्लीज प्रेजेंटेशन के बाद पूछिएगा। एयरलॉक एंट्रेंस अब बंद है। स्पेस केबिन एयर प्रेशर संतुलित है। ये तो किसी थीम पार्क की स्पेस राइड जैसा है यार। बैग चाहिए। इंजन इनिशिएशन के लिए तैयार। ओह क्या बात है, काफी खर्चा किया है पर नाश्ते में भी कुछ होना चाहिए था। ये तो किसी भी थीम पार्क से बेहतर है।
लेकिन आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये शो तो कमाल का यार। पेगासस और सुपर स्ट्राइकर्स और ओरायन वाले सुपर लीग मैच के वक्त तो वो सब स्पेस में होंगे। स्ट्राइकर्स जाओ और जाकर स्पेस में मजे करो। अब शटल पृथ्वी के वातावरण के बाहर आ रहा है। यकीन नहीं होता कि हम अभी जिंदा हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं दोस्त, हम तो सातवें आसमान में झूल रहे हैं। वो ये फिर से शुरू हो गया। अकेले वो भी स्पेस में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हैं आप? जरा एक मिनट, आप तो सुपर स्ट्राइकर्स हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा, हम सब हर जगह मशहूर हैं, आउटर स्पेस में भी। क्या तुम मुझे बताओगे कि एक सुपर स्ट्राइकर्स का जूता मेरे जीरो ग्रेविटी चेंबर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर, मैं तो ड्यूटी पर अभी आया हूँ। पिछली शिफ्ट में कौन आया था? बार्नी था पिछली शिफ्ट में। बार्नी? आप उसे जानते हैं कुछ? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जल्दी उसका पता लगा कर रहूँगा और जब वो हाथ आएगा। तुम जल्दी वापस आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। ये बटन क्या करता है? उसे छूना मत। कौन है वो? क्राफ्ट पर सिविलियन रहे हैं, सुपर स्ट्राइकर। क्या? कैसे? चलो अगर तुम पृथ्वी पर लौटने में कामयाब रही तो सुपर स्ट्राइकर्स हमारे पहले कामयाब स्पेस टूरिस्ट बन जाएंगे। ओह, मुझे ये स्पेस आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा इंटरसेप्शन टाइगर, तुम्हारा मिड एयर कंट्रोल पहले से काफी सुधर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ नए पैंतरे बनाओ। यस, ओरायन के सामने टिकने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लेकिन हवा में इस तरह झूलना मुझे डरा रहा है, मेरा ध्यान हट रहा है। यार तू बस चिल कर और इसका मजा ले, समझा? पहले इस चीज को एंजॉय कर दोस्त और फिर गोल कर। फिक्र मत करो सुपर स्ट्राइकर्स, हम आपको मैच के वक्त तक वापस पहुंचा देंगे और शेक और फाइटर के स्पेस आइसक्रीम खाकर उल्टी करने से पहले थोड़ा सा पानी मिलाइए। आपको लगता है कि मैं ओरायन के लिए तैयार हूँ? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है शेक, फील्ड पर। यार रीएंट्री शो, मुझे कोच ब्लैक को ढूंढना होगा। ओह, अब इनाम मिलेगा। ठीक है शुरू करते हैं। यकीन नहीं हो रहा, एक ताजा तरीन खबर आई है दोस्तों, सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है। पता चला है कि वो पेगासस में जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स स्पेस में और पेगासस में जाने वाला पहला स्पेस टूरिस्ट तो मैं बनने वाला था। मेरा सपना टूट गया। उससे बदतर उन सब ने जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग ली है। बस मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने उनकी स्पेस में जाने में मदद की तो। एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। ये वर्टिगो तो बदतर होता जा रहा है।
ताजुब है, हालांकि सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है, फिर भी शेक पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। मिस्टर शेक, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग के बाद आराम करने का वक्त नहीं मिला। शेक अब पहले जितनी ऊंचाई पर खेल पा रहा है। हालांकि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे यकीन है कि ये अपना जलवा दिखाएगा जरूर। देखा, मैंने कहा था ना। ओके, मैं गलत था। ओरायन की ओर से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या ये गोल हो पाएगा? और ओरायन एक गोल बनाकर आगे। Come on, शेख। अब कैसा लग रहा है शेख? हमें गोल करने में तेरी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन, पर क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दें? पत्थर? पर मारा मारी पर उतर आना तो अच्छी बात नहीं है ना? दिमाग में क्या चल रहा है शेख? जिस तरह से ओरायन वाले अपना खेल दिखा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार सारे सुपर स्ट्राइकर्स हवा में हैं, पर उनका खेल कहीं और ही है। मुझे लगा था हाफ टाइम के बाद तो ये लोग कुछ करेंगे। एक और बढ़िया गोल, और ओरायन दो गोल से आगे। हाँ, सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो सोच रखा है। शेक तो ओरायन वाला जितना ही ऊपर उठ गया है। तुम अपना भी कोई पैतरा आजमाओगे या नहीं? पैतरा देखना है तो देखो। उसने नीचे शूट किया, क्या चाल थी! ओरायन वाले उसके लिए तैयार ही नहीं थे। लगता है स्ट्राइकर्स ने सामने वालों के खेल को समझकर उस पर अपना ही स्ट्राइक का तड़का लगाया है। दोनों दो दो गोल्स बनाकर बराबरी पर हैं, और ओरायन को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ देखे। और बिना ऊंचाई के एडवांटेज के ओरायन के पास बचा ही क्या है? स्ट्राइकर्स ने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, जबकि ओरायन वालों के सिर सातवें आसमान पर हैं। दोनों टीम्स के पास विनिंग गोल बनाने के लिए बस सब कुछ ही मिनट है। शेक बॉल को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए। चंद सेकंड्स के रहते हुए सुपर स्ट्राइकर्स ने तीसरा गोल बनाकर बढ़त हासिल कर ली है। बार्नी, 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 वो रहा बार्नी। जाहिर है आज के मैच का हीरो शेक है। उसने ओरायन को इतना ऊपर भेज दिया कि उसे पता भी नहीं चला कि जमीन पर क्या हो रहा था। तो नीचे नजारा कैसा था? शेक, मैंने सुना तुम हमारे ट्रेनिंग सेंटर गए थे। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी जर्सी, एक छिपे हुए आइडेंटिफिकेशन टैग और एक इरिटेट करने वाले एलिवेटर की बदौलत। ओ हाँ, वो। अरे आप स्टुअर्ट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये स्टुअर्ट नहीं है, यही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने तुम में से एक स्ट्राइकर को जासूसी करने मेरी लैब में जाने दिया। नहीं नहीं नहीं, ये स्टुअर्ट ही है। ये स्ट्राइकर जेट पर चिकन सर्व करता है। क्या करता है? नहीं 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 नहीं, ये तो स्पेस सेंटर वाला गाइड है, वही जिसने हमें शटल पर भेजा। तुम्हें मुझे हर बात का हिसाब देना होगा, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। हे दोस्तों, स्टुअर्ट को बाय तो बोलो। बाय स्टुअर्ट।
डैड। और बड़ा तो, और बड़ा तो, फुल पावर। टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली के मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्टा के आगे टेक्निकली का कैल कॉल्स की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाईलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख के आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकलिस के पिछले मैच में चिपरसन कहीं नहीं था, वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एले ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहाँ आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फेच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की। फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ पर चाकी चिपर। मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए।
सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने की बात से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपरसन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे। कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच, कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला गया। जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो, बस छाक लेता हूं। क्या वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। वो जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के एक घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो नॉर्थ, जरा ये देख जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल यार, अब क्या कहेगा, रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है, उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा?
कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? रुको, अभी और भी है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके, चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता। क्या शेख, मैं ये मूव जानता हूँ। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 हैं? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गुलारे की याद दिला दी, सालों पहले की, वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकाली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकाली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स, साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपसन ने मौके का फायदा उठाया। इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। ए दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? hey, दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। हाँ।
स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस। और शेक ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहां से लेकर आए? मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रीप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार आसान है पर है जीनियस। इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकली। जिपसन को फिर से एक मौका मिला, उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकली के दो गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकली के पास नया कुछ नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहाँ जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। एक दो तीन इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे, इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? एक मिनट, हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं, अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को और जो की बहुत ही बढ़िया किक और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक वही है शॉट लेने के लिए। टेक्निकली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहाँ आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हम में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? मैं
बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। ए, ए, बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी। न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। गोली की शानदार कोशिश, ये बंदा तो गोलकीपिंग का सरताज है सच में। मैक, मैक, मैं तो बस उसी के बारे में पढ़ रहा था। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा। ये बंदा रास्ते में आ रहा है कॉस्मोस के तीसरे सुपर लीग टाइटल और हमें मिलने वाली बेशुमार दौलत के बीच। तो सुपर स्ट्राइकर्स प्लस ये गोली इज इक्वल टू नो दौलत, पर सुपर स्ट्राइकर्स माइनस ये गोली इज इक्वल टू बेशुमार दौलत। बोलो, गोली को हटाओ। यार हमें डिफेंस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ गोली बो जो है, तू तो कमाल का है यार। तू ये कैसे कर लेता है गोली बो? बस करना होता है इसलिए। पर ये जरूरी नहीं कि तुम करो, कल तुम सब सीख जाओगे कि गोली की जगह में होना कैसा लगता है। शायद तभी तुम इसकी थोड़ी कद्र करना सीखोगे। एक गोलकीपर को चार रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। सामने वाला जब तक स्ट्राइक की तैयारी करता है तब तक उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। दूसरा, इंस्टिंक्ट। सामने वाला बॉल किस तरफ शूट करेगा इस पर अपने दिल पर भरोसा रखो। तीसरा, रिफ्लेक्सेस। चुटकी बजाते ही पैंतरों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। चौथा और आखिरी रूल, निडर होना। मन में डर की नहीं सिर्फ जीतने की भावना रखो। गोली गोलकीपिंग को आसान दिखाता है पर ऐसा है नहीं। सही कहा। अब वक्त है सुपर लीग के गोली को बाहर निकालने का। सुनो मेरा प्लान, हम उस पर टूट पड़ेंगे और फिर नीचे पटक देंगे। ठीक है ठीक है, तुम सही हो, वो बहुत तगड़ा है। प्लान बी, हम वेटर्स की तरह तैयार होकर उससे लड़ेंगे। प्लान सी, कुछ नहीं करेंगे। ओहो, क्या हाल है निंजा? बोलो, मुझे अपने मैच का इंतजार है दोस्तों। गोली, ये तो इत्तफाक की बात है कि हम ऐसे यहाँ मिले है ना। गोली को मारो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो राइवल्स हैं सुपर लीग। बिल्कुल मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, चलो तुम्हें घर ले चलें, ठीक है? घर?
घर तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? लिटिलटन में। लिटिलटन? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर। तुम कुछ वक्त में ही ठीक हो जाओगे दोस्त। आया। चलो तुम्हें तुम्हारी घर जाती बस में बिठा दूँ। कॉस्मोस पिन पॉइंट स्ट्राइकर्स वाली एक तगड़ी टीम है। हमें इसमें गोली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पर साथ ही तुम सबको भी शानदार खेल दिखाना होगा। वैसे गोली से याद आया, आखिर वो है कहाँ? हाँ, क्योंकि गोली तो प्रैक्टिस के लिए कभी लेट नहीं होता है। कभी नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? स्पेंसर, स्पेंसर पीआई, शेक का बेस्ट फ्रेंड और उसका खास पीआई। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद गोली अपने दो दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त? तुम्हें यकीन है? कौन थे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे उसे घर ले जा रहे हैं। केला, याददाश्त, घर, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। माफ कीजिएगा पर गोली घर पर नहीं है। नहीं है? मुझे तो लगा था मैंने केस सॉल्व कर लिया। वो तो कल से ही घर पर नहीं लौटे हैं और मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। अल्बर्ट, मुझे लगता है कि गोली की याददाश्त चली गई है और उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात यह है कि किसी ने देखा नहीं सुना? हाँ हाँ सुना कि गोली अपने घर जा रहा है। घर? वो सालों से तो यही रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा वो और किस जगह को घर कहेंगे। सिवाय सिवाय क्या? वैसे एक कमरा है जहाँ शायद आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए। ग्रेट, चलो से देखते हैं। वैसे ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई सुराग है जिससे पता चले कि गोली किसे घर कहते हैं तो वो वहाँ अंदर होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप गोली के डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर स्टेप को पूरा ना कर लें। देखो, क्या हम बस इस ऑब्स्टिकल कोर्स को ना करते हुए सीधे मेमोरी रूम में नहीं जा सकते, क्योंकि कल हमारा मैच है। गोली को शॉर्टकट लेना पसंद नहीं। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो बेटा, तुम यहीं से हो? हाँ मैडम, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें देखकर याद आती है। देखो, अभी याद था और अभी भूल गई। ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ लिटिलटन में मेरा घर आ गया। जब प्लेयर्स तुम्हारी तरफ आए तो उस पर लगे टारगेट्स को देखना है। कम ऑन शेक। बॉल्स को पकड़ने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो शेख। अरे रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट विजन। मैं तैयार हूँ। ओके, अब तुम शुरू कर सकते हो। हम ये वाला बाद में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? इस कोर्स पर आपको अलग अलग दिशाओं से आते हुए बॉल्स को रोकने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे गोलकीपर्स निडर होते हैं। ओ, जरा बच के।
तो इस तरह गोली अपने गेम की तैयारी करता है। हाँ, वो रोज इसी तरह तैयारी करते हैं शेख। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें इसी वक्त उस कमरे में जाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। रॉस्टर, तुमने शेख को देखा है? मैंने उसे आखिरी बार गोली के यहाँ जाते हुए देखा था कोच। उस जगह में ऐसी क्या बात है? अब हमारा एक गोली और एक स्ट्राइकर गायब है। उन दोनों का ही अब तक कुछ अता पता नहीं है। नोआ, मुझे लगता है कल की स्टार्टिंग लाइनअप में तुम्हें रहना होगा। अब इसे कर दिखा। गुड लक दोस्त। मेमोरी रूम को आपका इंतजार है। Yes! हमने कर दिया, हमने कर दिया। शेख, इसका कोई फायदा नहीं। मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हम अभी नहीं जा सकते स्पेंसर, मंजिल काफी करीब है। हे, देख गोली के बचपन की तस्वीर। हाँ, मेरे ख्याल से ये गोली की पहली होम टीम है। उसकी कौन सी टीम? उसकी होम टीम? अल्बर्ट, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल काफी अटपटा हो गया है। गोली के ना होने से हर तरफ काफी टेंशन है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द ही लौट आए। चलिए हम सब एक पल के लिए मौन खड़े रहें और गोली की वापसी की कामना करें। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट? थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार, गोली गायब हो चुका है। सॉरी। वैसे यही वो जगह है, वो जगह जिसे गोली घर कहता है। Yes! Oh, come on! मुझे बस एक क्लू चाहिए, एक सुराग, किसी तरह का इशारा। और इशारा मिल गया। भूखे पेट की आवाज, गोलकीपिंग का तीसरा रूल, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। मैच का रोमांच एक बार फिर शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अपने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर की काफी मदद कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों। कोई बात नहीं, अब तक बैकअप कीपर मर्डॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी, जाने दो। एक्सक्यूज मी। किसे पता था मेरे भूखे पेट में इतनी इंस्टिंक्ट है। गोली, गोली। एक्सक्यूज मी, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नहीं, तुम ही गोली हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम सुपर स्ट्राइकर से हो। इसीलिए मुझे यह शहर इतना पसंद है, यहाँ लोग अच्छा मजाक करते हैं। मैं ये साबित करूँगा। अफसोस की बात है कि गोली आज यहाँ पर नहीं है। उसके होने से मैच का मजा कुछ और ही होता है, जो आज के मैच में नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। गोली, गोली, ये तो गोली है। मुझे यकीन है कि नोआ मर्डॉक को इंतजार है कॉस्मोस से दूर होने का। अटैक और वो आ गया नीचे। येलो कार्ड, उन्होंने चीटिंग की। निंजा को तो अभी रेड कार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ यार, अब हम क्या करेंगे?
अब हमारे पास कोई गोलकीपर भी नहीं। कोच, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। यार, जब तूने पिछली बार गोलकीपिंग ट्राई की थी तो तुझे रोते हुए फील्ड से निकलना पड़ा था। ये तो मेरी गोली के घर में गोलकीपर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने से पहले की बात थी। उसके बटलर ने मुझे कोचिंग दी। तो गोली के बटलर ने तुझे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये सच है कि गोली के घर में एक ट्रेनिंग कोर्स है और वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये राज है हमारे गोली के इतने अच्छे होने का। हाँ, एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ब्रेक के बाद अब शेख गोलकीपर बनकर आया है। वो पागल हो गए हैं क्या, बेचारे शेख को गोलकीपर बना दिया। अब शेख को दिखाते हैं गोलकीपर का काम कितना मुश्किल होता है। अरे निंजा का बेहतरीन टैकल, मुकाबला बराबरी का है। निंजा वर्सेस शेक, अब बस उसे एक दिशा चुननी है और डाइव करना है। वो तीन रूल्स क्या थे? नहीं, चार रूल। नंबर एक, कुछ याद नहीं आ रहा। गोली कहाँ है? आई होप वो ठीक है। बॉस मॉस ने कमजोर गोलकीपर का पूरा फायदा उठाया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक तो है ना शेख? ये तो सोचा तो उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई और है दिमाग में? तूने ये काम खुद ही चुना है, तू हमारी इकलौती उम्मीद है यार, इसलिए या तो हार मान ले या फिर खड़े हो जा। शेख! उसे बोल मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे अभी यहाँ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया हूँ। वो सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया? नहीं, उससे कह ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और निडर बनो। बस रिलैक्स करो और आराम से खेलो, डरो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी होगा शेख। वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो हमारी मदद कर चुका है क्लाउस। ऑब्जर्वेशन। Instincts. Reflexes. Nidar bano. तुमने ट्रेनिंग पर काबू पा लिया है शेख। बढ़िया शेख। ब्रेंडा, मैं सच कहूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देखने को नहीं मिलता मैच। मैच और रोमांचक होता जा रहा है। बॉल जो के पास, जो तेजी से बढ़ते हुए पास किया फाइटर को। फाइटर की शानदार की कॉल, ये गोल। एक और गोल। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को अपनी बढ़त को बनाए रखना है। कमाल हो गया, शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को ये मैच जिता दिया। कौन है कमाल? मैं हूँ कमाल। वो अच्छी जगह है, यहाँ कौन रहता है? तू रहता है, अगर तुझे याद नहीं है तो जान ले तू होनार कामयाब और अमीर है। वेलकम होम सर। थैंक्स। मैं अल्बर्ट सर। अल्बर्ट। कुछ मेहमान आए हैं सर। मेरा दोस्त। मुझे देखकर अच्छा लगा। वेलकम बैक दोस्त। तुम सब तो सुपर स्ट्राइकर्स हो। अरे हाँ, ये तो मुझे पता होना यार, चाहिए। यार तू गया कहाँ था? हाय गोली। हाय शेख। मैं हूँ शेख।
ये बात तो सब जानते हैं ना, सिर पर फिर से मारने से याददाश्त लौट आती है। क्या है, सच कह रहा हूँ। बॉस तू आ गया। शेक स्पेंसर, कॉस्मोस वाला मैच, हमें वहां पहुंचना होगा। बहुत देर हो गई, हम वो जीत गए हैं। सच में? हाँ, ये मुमकिन किया अल्बर्ट, एक मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स और एक खास बंदे ने। कौन से बंदे ने? हाँ, इस बंदे ने।